وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آج هم في उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जो तोद के लिए बहुत ही साबित होती हैं और हमारी तोहद हमारा ये ईमान ख़तरे में पड़ जाता है तो लाजमी है कि हम उनको जानें समझें इसलिए कि हम जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं अल्लाह पर यकीन रखते हैं हमारी ये तोहद है यही तो असल हमारा सरमाया है यही तो हमारी दौलत है यही अगर लुट जाए ख़त्म हो जाए तो क्या बाकी रहेगा अल्लाह के हम क्या मुँह दिखाएँगे कि हम अल्लाह पर ईमान भी हमारा अधूरा रह गया या बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और इसी को नवा के दो तोहीद कहा जाता है कि तो को खत्म करने वाली चीज़ें या तो के लिए वो चीज़ें जो उसको बिल्कुल ही मलिया मेट कर देती हैं उसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए इस बात को कि जैसे कि एक शख वज़ू करता है लेकिन अगर कोई उसके जिसम से कोई चीज़ ख़ारिज हो जाए तो वो वज़ू टूट जाता है इसी को हम कहते हैं ये नवाकद उदू है नमाज़ पढ़ा है नमाज में कोई ऐसी हरकत हो गई जो कि नमाज की मुनाफी है तो उसकी नमाज ख़राब हो जाती है तो ये सलाह है इसी तरह ये नवाकदुल तौहीद है ईमान है कि जिसके ज़रिए से हमारे ईमान को ख़तरा हो जाता है तो ये चीज़ जो है ये समझने वाली है कि उसमें क्या चीज़ है कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं ताकि हम उसको समझ सकें और अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल बाहर करें ताकि हमारा ईमान हमारी तोहिद हमारी जो अल्लाह के लिए वाहदानीत का इकरार है वो अपनी जगह बरकरार रहे उसमें किसी कस्म की खराबी पैदा ना हो तो पहली चीज़ क्या है वही शिरक है अल्लाह के साथ किसी को शर्क ठहराना तो जैसे कि इबादत के बारे में कहा गया है उसकी तारीफ बताई गई है कि इस मुंजाम वकवाल वाहराती वलबातना के इबादत किस चीज़ का नाम है वो एक जाम नाम है उस चीज़ का उन अकवाल का उन का ज़ाहरी हो या बातिनी हो जिनको अल्लाह पसंद करता है राज़ी है वो इबादत कहलाते हैं तो ये तो इबादत है तो फिर हर कस्म की जो इबादत है अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कर दें तो वही शिरक हो जाता है वही शर्क है कि हमने वो इबादत जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए थी वही उसका मुस्तहक था हमने किसी और के लिए कर दी तो यहीं से फिर वो शिरक जो है आ जाता है और हमारी तमाम चीज़ों को बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है तो शिरक जो है वो तीन तरह का होता है एक तो वह है कि शिरक अकबर शिरक अकबर है जो कि मिलत से ही खारिज कर देता है कि जब अल्लाह के साथ आपने किसी को शर्क बना दिया और उसको भी उसी तरह मानने लगे उसी तरह समझने लगे जैसे अल्लाह ताला की ज़ात को हम समझते हैं तो यही तो शिरक अकबर बन जाता है कि आपने अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया और दूसरा है शिरक असगर तो इससे आदमी बाहर नहीं जाता मिल्लत से ख़ारिज नहीं होता काफिर नहीं बनता मुसलमान रहता है लेकिन उसने एक ऐसी बात कही है जो कि शिर के ज़ुमरे में आती है मज़ीद उस पर हम आगे बात करेंगे और तीसरा वो है शिरक खफी जो कि बिल्कुल ही खुफिया या कह लीजिए कि नज़र ना आने वाला शर्क है तो उससे भी इंसान दीन से खारिज नहीं होता ख़ारिज होता है तो सिर्फ वही जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शिरक अकबर से अब आइए हम देखते हैं कि शिरक अकबर क्या है और उसकी क्या अकसाम है तो वो भी चार तरह का है चार तरह से हम इसको समझ सकते हैं देख सकते हैं एक तो ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करने में शिर किया जाए जिसके बारे में जैसे शाद बारी तला है फ़ैदा दाउल्ला बुफिलफुल्की दाउल्ल्लाखलिसन अलहद्दीन फलमानजा हमलब्री इदा हम शून कि यह है कि जब वो लोग अपनी किश्तियों में सवार होते हैं और तो अल्लाह ताला से पूरे अखलास से दुआ करते हैं तलातम आ जाता है मौजों पे मौजें आने लगती हैं और एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है दरिया में समंदर में तो फिर अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह में बचा ले में बचा ले और जब अल्लाह ताला उनको बचा लेते हैं वो फिर खुशकी पर अब आराम से सुकून से पहुंच जाते हैं तो फिर वही शर्क शुरू कर देते हैं वही गर्ला को पुकारने लगते हैं उसी को ही दुआ में अपने शामिल कर लेते हैं तो ये चीज़ अल्लाह त पसंद नहीं है कि वहाँ तो तुम मुझे पुकार रहे थे जब मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम फिर गैर-अल्लाह को मेरे अलावा दूसरों को पुकारने लगे दूसरों से इबादत करने लगे उनसे दुआएं मांगने लगे तो यही चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं इसी को ही वो कहा है कि ये दुआ में अल्लाह के बजाय किसी और को भी उसके साथ शरीक कर रहे हैं दूसरी वो है कि नीयत और इरादे में इसमें ही शिरक आ जाए उसमें भी हम किसी चीज़ को और शामिल कर ले جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ من کان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون کہ فرمایا کہ جو بھی دنیاوی زندگی چاہتا ہے اس کی زیب و زینت کو چاہتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں اس کی عمال ٹھیک ہے لو کھاؤ پیو مزے کرو اور اس میں لیکن दूसरे अमाल में जो है वो हम उनकी मामला वो नहीं मिलती इसलिए कि दुनिया के तलबगार हैं तो ठीक है उसमें कोई कमी नहीं है खूब खाओ पियो तो इसीलिए फरमाएँ कि उनके लिए आखिरत में कुछ नहीं है कोई चीज़ नहीं है सिवाय जहन्नम की आग ही मिलेगी अजाब ही मिलेगा इसलिए कि उन्होंने दुनिया चाहिए थी उनकी नीयत यही थी कि वो दुनिया चाहते थे हर काम में दुनिया ही असल मकसद था वही उनका असल आ, हदफ था तो वो दुनिया चाह रहे थे दुनिया की जीनत जैबाइश ऐशा इशरत ये सब चाहते थे तो अल्लाह ने उसको आखरत में उनके लिए कुछ नहीं रखा और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो कुछ भी किया सब बर्बाद हो गया और जो भी अमल किया था सब अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल ही मलिया मेट कर दिया तो लिहाजा फिर ये है कि जब तक कि हम अपनी नीयत को साफ नहीं रखेंगे अल्लाह के लिए ख़ालिज नहीं करेंगे और तक बात नहीं बनेगी तो नीयत में भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए कि उसी के लिए हम ये इबादत कर रहे हैं उसी को किसी और को नहीं चाह रहे न दुनिया को न किसी और चीज़ को उसमें शामिल करेंगे तीसरी चीज़ वो है कि इतात में इतात में शिरक किया जाए तो उसकी दलील हमें इस तरह मिलती है कि जैसे कि शबारा है कि इतबा रोहबा अरबाब मिन्दून

और इसी तरह मसीह ने मरियम आसाम उनको भी इन्होंने अपनी इबादत में शामिल कर लिया है जबकि उनको यह हुक्म दिया गया था कि वो एक इलाह की इबादत करेंगे एक अल्लाह को मानेंगे उसकी इबादत करेंगे ला इला। उसके अवा कोई मबूद हकीकी है ही नहीं कोई मबूद ही नहीं है वो इस कस्म की जितनी चीज़ें उससे बिल्कुल ही पाक है और उनके शिरक से वो बाला तर है लेकिन वो शिरक करने से बाज नहीं आते हैं तो जैसे कि हदीस में आता है कि आदिबिन हातिम जो ईसाई थे तो वो आए नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास तो जब आपने यही आयत पढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो इबादत तो नहीं करते उनकी जो कहा गया है कि उनको मानते हैं उनको रब बना लेते हैं अल्लाह के सिवा तो उन्होंने कहा कि नहीं रब तो नहीं मानते इबादत तो नहीं करते तो आपने फिर उनसे कहा कि क्या वो लोग जो चीज़ वो हलाल कर दें उसी को ही हलाल करते हैं जो हराम कर दें उसी को ही हराम ठहराते हैं यानी उनकी तहलील तहरीम में भी उन्हीं की बात मानते हैं अपने इन्हीं रोहबान की अरब और, और कोहान की और की उनकी बातों को मान लेते हैं और उनको अल्लाह के साथ उनको भी उन्होंने शरीक कर लिया है इसी काम में इसी व तहरीम में तो ये है ऐसा चीज़ जो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस तरह उन लोगों ने अपने रोहबान को और कोहान को और जितने भी उनके बड़े थे लीडर थे उनको अल्लाह के साथ शरीक कर लिया तो ये है कि इतात में शिरक हो जाता है इसलिए कि हर चीज़ में हमने अल्लाह को मानना है जितने कवानी हैं जितनी भी हमारी शरीयत हैं उसमें वही चीज़ काबिल कबूल होगी जो अल्लाह ने कही है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने बताई है तो किसी और की बात तो नहीं ले सकते हम कि फलां भी इसमें शरीक है फलां को भी ले लें फलां को भी ले लें ये तो नहीं कर सकते हम हम तो वही बात लेंगे जो अल्लाह ने कही अल्लाह के रसूल ने कही थी इसीलिए फिर आपने बताया कि ये लोगों ने किस तरह अल्लाह के साथ जो है लोगों को शरीक बना लिया है चौथी चीज़ क्या है वो है कि मोहब्बत में शर्क हो जाए और जैसे कि शादी बारी तला है यमिनैत तखद उमिनदूनदा युब्बू नम का के लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के अलावा लोगों को अल्लाह का साथ शरीक बना लेते हैं और फिर उनसे मोहब्बत उसी तरह करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो यही वो मोहब्बत में भी जो अल्लाह के लिए होनी चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए उसमें किसी और को शर्क कर देना यही वो मुहब्बत में शिरक है तो इससे वो मोहब्बत मुराद नहीं है जो कि एक फ़री मोब्बत होती है फितरी मोहब्बत तो ये है कि इंसान को अपने वालदेन से मोहब्बत है अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत है अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से ये मोहब्बतें हैं तो ये फ़ितरी चीज़ें हैं इसको नहीं कहा गया लेकिन जो शौरी मोहब्बत है उसके बारे में बात हो रही है कि वो शौरी मोहब्बत अल्लाह के लिए है और अल्लाह उस उस शौरी मोहब्बत में किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता तो लिहाजा फिर वो मोहब्बत रखी जाएगी और फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है वो भी वो शौरी मोहब्बत होनी चाहिए कि हम इस तरह उनसे मोहब्बत करें कि जैसे उसका हक़ हाँ है कि उनकी बातों को माने उस पर अमल करें और उसमें अगर हमें अपनी जान माल जो है वो देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहें तो ये वो मोहब्बत है जो कि हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो लिहाज़ा फिर ये चीज़ जो है हमें ख़्याल रहना चाहिए कि इस कस्म की शिरक ना हो जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया उसके बाद जो दूसरी कस्म जिक्र की गई है वो शिरक असगर है और वह क्या है वही रियाकारी है दिखावा है कि इंसान जो है कोई अमल कर रहा है लेकिन जब वो अमल कर रहा होता है तो उसके जहन में आ जाता है जैसे कि नमाज पढ़ रहा है कोई शख्स तो वो नमाज़ पढ़ते हुए ये सोचता है कि अब लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत ही खुश व से नमाज पढ़ रहा है बहुत ही परहेज़गार आदमी है बहुत ही अच्छा आदमी है तो ये चीज़ जब जहन में आ गई तो यही रियाकारी है तो वो शख़्स फिर अपनी नमाज को संवारने और बनाने में लग जाता है कि पूरी तरह मैं खुश व जाहिर करूँ ताकि लोग मुतासर हों में मुझसे तो ये है रियाकारी ये है वो दिखावा कि उसमें वो इखलास ख़त्म हो गया और उसकी जगह रियाकारी आ गई दिखावा आ गया और उसके बारे में जैसे कि इर्शाद बाल है फमन खानजूल क़ा और फलियाल वला इबादती तो यही फरमाया कि जो भी अपने रब की मुलाकात चाहता है उम्मीद रखता है तो उसको चाहिए कि नेक अमल करे नेक और अच्छा अमल करे और उसकी इबादत में किसी को शर्क ना ठहराए कोई भी शिरक हर तरह का शर्क नहीं होना चाहिए और उसी में फिर ये रियाकारी भी आ जाती हैं कि ये भी इससे भी पाक हो उसकी इबादत उसका अमल उसमें किसी कस्म की कोई चीज़ भी शामिल ना हो तो ये शिरक असगर भी जो है ये शिरक अकबर के बाद एक बहुत ही अहम चीज़ है बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है कि जिसमें अगर ये चीज़ शामिल हो जाए तो उसका अमल बर्बाद हो गया तबाह हो गया इसलिए कि अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता और नबी करीम अलैहि वसल्लम ने भी उसकी इसी ख़तरे की तरफ निशानदही फरमाई कि जितनी जिस चीज़ से मैं डरता हूँ सबसे ज़्यादा मैं डरता हूँ वो है शिरक असगर तो साहब क्राम ने पूछा कि वो मै शिरक असगर कि शिर के असगर क्या है जिसको आप फरमा रहे हैं तो फरमाएँ कि अर्रिया रिया कारी दिखावा और अल्लाह ताली का फरमान है कि यमल क़ियामती जैसे कि क़्यामत के दिन जैसे कि उस दिन जब आ, लोग आमाल आएँगे लोग अमल होगा और उस दिन वो लोग होंगे तो अल्लाह तरमाएँगे कि जाओ जिनके लिए तुम दिखावा करते थे ना उनके पास जाओ उनसे इसका अजर ले लो कि शायद वो तुम्हें उसकी कोई जजा दे दें तो ज़ाहिर है कि अमल बर्बाद हो गया तबाह हो गया अब कुछ नहीं मिलेगा और वो ख़ुद उनको भुगतना पड़ेगा और इसी तरह एक और हदीस में भी आपने यही फरमाया या फरमायाकम शिरकत सरायर के लोगों खबरदार और वो यही खुफिया किस्म के शिरक करना उससे बच के रहना तो यही पूछा गया कि ये शिरक सरायर क्या है तो आपने फरमाया कि कोई भी शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो फिर अपनी नमाज को वो मुजैन करता है इस तरह वो उसको सजा के बना के पेश करता है कि लोग उसको देखेंगे कि कितनी ये अच्छी तरह नमाज़ पढ़ रहा है यही शिरक सरायर है कि इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि लोग मेरे अमल को देख के कितना उसको पसंद करेंगे उसको वो अपने इसी चीज़ में शामिल कर लें और शर्क की तीसरी जो किस्म है कि वही शिरक खफ़ी है कि वो उसकी दलील जो हम कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि आपने फरमाया कि क्या शिरक़ी हैदिल उम्मत अख़फ़ा मिन दबी बिन नबल सऊदा अलासफ़ातिन सऊदा फिर लैल कि आपने फरमाया कि, 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 कि मेरी उम्मत में ये शर्क इतना ये खफिया होगा इतना ये कह लीजिए कि नज़र नहीं आएगा जैसे कि एक स्याह चूंटी जो है वो एक स्याह पत्थर पर रात की तारीकी में चलती है तो नज़र नहीं आएगी इसलिए कि रात है और वो पत्थर भी स्याह है उस पर वो चींटी भी स्या है तो फिर कैसे नज़र आएगी इसी तरह फिर ये फरमाया कि ये शिर के खफ़ी है जो कि नज़र नहीं आता है इंसान नहीं देख पाता है उसको और उसका कफ़ारा आप अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया किलाउदबी का श्ररी का बी का शैअ अन व अन आलम विलदीआलम कि ये वो कहे कि अल्लाह मैं तेरी पना चाहता हूँ कि तेरे साथ में शिर करूँ जबकि जिसको मैं जानता हूँ और उस गुनाह से भी मैं तेरी मफफ़रत तलब करता हूँ जिसको मैं नहीं जानता तो ये क्या चीज़ है इसको हम कैसे कहते हैं वो ये है कि हम किसी भी बात को किसी भी चीज़ को उसके सबब की तरफ हम मनसूख कर देते हैं कि अगर ये डॉक्टर साहब ना होते तो मेरा ये बच्चा ना बचता या ये ना होता फला चीज़ अगर ना होती तो ये ना होता तो हम इन इसबाब को ही असल बना लेते हैं इन इनबाब को समझते हैं कि यही सब कुछ है कि ये दवा जो हमने खाई थी ये ना होती तो ये मेरा मरस ख़त्म ना होता ये डॉक्टर ना होता तो फिर ये मेरी तकलीफ़ ख़त्म ना होती ये फ़लाँ शख्स ना होता तो मेरा काम ना होता तो हमने इन उसबाब को ही जो अल्लाह के बनाए हुए इसबाब हैं उनको ही समझ लिया कि इसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है तो ये है वो शिरक खफी की मिसालें कि हमने जो चीज़ अल्लाह की तरफ से होनी करनी चाहिए थी उसकी तरफ मंसूब करनी चाहिए थी हमने लोगों की तरफ मंसूब कर दी कि ये फ़लाँ की वजह से हो गया नहीं वो तो अल्लाह की तरफ से है अल्लाह ताली ने हमारे लिए मुशर कर दिया फ़लाँ को उस डॉक्टर को उस हकीम को या उस दवा को कि हमने उससे फ़ायदा उठाया अल्लाह ने उसमें शिफा रखी थी शबा मिल गई तो असल जो हकीकी है मुसबुलसबाब है उसकी तरफ मंसूब करना चाहिए न कि किसी और की तरफ जो कि इस तरह आ रहा है तो लिहाजा ये है इससे बचना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम चीज़ों को उसके जो हक़ीक़ी मुसब है उसकी तरफ मनसूब करें तो ये तो हुई शिर की बात और शिर के हवाले से बात तफसील से आ गई अब हम दूसरा जो नवाकब हैं इस्लाम के नवाकज दीन के नवाकज तो वो ये है कि अल्लाह के, के दरमियान जो मुख्तलिफ़ वसीलेलें हैं वस, वास्ते हैं जरिए हैं वो तो अल्लाह ने बता दिए ये है वास्ता जिसके ज़रिए से तुम तो मुझे पुकार सकते हो मुझे आ, मांग सकते हो मुझसे तो ये बहुत ही ख़तरनाक है कि हम अल्लाह को अल्लाह के रसूल सल्हल्म की, की शफात को सिफारिश को छोड़कर और इसके अलावा दूसरों के पास चले जाएं और उनको समझें कि वो भी हमारे काम आएंगे क़यामत के दिन और हमारी तमाम ज़रूरतें वो पूरी कर देंगे तो ये चीज़ जो है वो कुफर तक पहुँच सकती है और वो हमारी तोहिद जो है वो ख़राब हो सकती है तो लिहाजा उससे बचना भी ज़रूरी है कि कोई भी ऐसे कस्म का वास्ता तलाश करना जो कि ना अल्लाह ने बताया ना अल्लाह के रसूल ने बताया तो वो फिर हम कैसे उसको हम समझ सकते हैं कि यही वो हकीकी बात है तो जैसे कि फ़रमाया गया कि व्या आबुदून अमिन माहम वफ़ा हम वूनः उला शफ़ाऊना इनदल्ह फरमाया कि वो अल्लाह के सिवा उनको पुकारते हैं जो ना कोई नफा दे सकते हैं ना नुक़सान दे सकते हैं कोई चीज़ उनके कुदरत में नहीं ताकत में नहीं है और ये कहते हैं कि ये हमारे सिफारशी हैं अल्लाह के यहाँ ये हमारी सिफारिश करेंगे हमारे सारे काम इनके ज़रिए से सुधर जाएंगे, हमारी बिगड़ी जो है वो बन जाएगी इनके ज़रिए से तो इस तरह फिर वो गैरुल्ल को इसमें शरीक कर लेते हैं तो ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक है कि हम अल्लाह के सिवा किसी और को फिर इस मामले में दाखिल कर दें कि अल्लाह ताला इसकी बात सुनते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं तो ये चीज़ भी इंतहाई ख़तरनाक है इससे भी बचना ज़रूरी है कि हम सिर्फ़ अल्लाह को जो अल्लाह ने बताया है उसको माने तो फिर देखिए कितने मसाइल हमारे लिए हल हो जाएंगे और उसके बाद जो है अगला कि जो भी इस कस्म के मुशरकिन हैं कुफार हैं जो उनको भी मुशरक नहीं मानता काफ़िर नहीं मानता कहते नहीं वो भी सही हैं ये भी सही हैं तो ये भी ग़लत है तो ये भी कुफर की हद तक पहुँच जाता है कि हम उसको माने कि ये शख़्स जो है इसने शिर किया है तो ये मशरक है कुफिर किया है तो काफिर है इहाद किया है तो मुलहद है तो ये हम जानते बूझते फिर हम कहें नहीं इसमें क्या हरज है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये भी इंतहाई गलत बात है और इसको हमें देखभाल के बाद कहनी चाहिए फ़ौरन नहीं कह देना चाहिए किसी के बारे में भी कि जब उस शख्स के आमान से उसके अकवा से बिल्कुल बात वाज़ हो रही है कि वो शख्स जो है वो सही रास्ते पर नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाकई सही है बहुत अच्छा है तो उसी में फिर एक तो आ जाती है कि वो कुफ़र तकदीब झुटलाने वाली बात कि किसी को झुटला दिया जाए जैसे कुरान ने कहा वमन अमन अफ़तरा कैदी बन अदिलह लम जहू अल सफ़ी जहन्ना कैफरीन कि उससे बढ़कर ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ जूट बांधा झूठी बात अल्लाह की तरफ मंसूब की या जो हक़ है उसको जुटला दिया ये तकजीब है ये है तकजीब और फरमाएँ कि फिर ऐसे लोगों के लिए जहनमी ठिकाना है इन काफिरों के लिए जो इस तरह कुफर करते हैं मजाक उड़ाते हैं उनका फिर ठिकाना जहन्नम है और इसी तरह वही कुफर भी कि जो कि किसी कस्म की तकबुर में आ जाता है जैसे इब्लीस ने किया इब्लीस जो है अल्लाह के सामने डट गया और साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता जो अल्लाह तारा ने सजदे का हुक्म दिया आदम आलम को उसने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने फिर उसको कितनी सख्त सज़ा दी तो लिहाजा वो भी इस तरह की तकबर और गुरूर करना वो भी सही नहीं है इसी तरह जो शक का मामला है कि अल्लाह ताला के अहकाम में शक करना कि पता नहीं ये सही है या नहीं है और मख्तलफ़ गुमान के ज़रिए से मुख्तफ बातों के ज़रिए से उसमें तश्की पैदा करना ये भी कुफर तकली जाती हैं जैसे कि कैर बारी तआला है वखला जन्नत हुआ हुआ मा अन तबीद तबीदही अबदा तो अल्लाह तआला ने जो मिसाल दी है महासर कहफ़ में दो बाग वालों की कि एक बाग वाला जब अपने बाग में दाखिल हुआ और वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा था इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ मंसूब ही नहीं कर रहा था वो तो समझता था कि कुछ नहीं होगा और उसने यही कहा कि मुझे नहीं अब ये गुमान कि ये ख़त्म हो जाएगा ये बाग ये दरख्त और ये पौधे और ये फल ये फूल ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और मुझे ना मुझे ये गुमान है कि कियामत क़ायम होगी उसका भी इनकार कर दिया और अगर मैं अल्लाह ताला की तरफ वापस भी किया तो वहाँ पे मुझे इससे अच्छा मिलेगा और मुझे बागात मिलेंगी और तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी और ये कुछ होगा और फिर उसके जो दूसरा साथी था उसने साफ कह दिया कि तुमने अल्लाह ताली का कुफ्र किया जिसने तुम्हें पैदा किया है जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम उसका कुफ्र अदा कर रहे हो और तुम्हें उसे इनकार कर रहे हो इस पर वो जाहिर है कि उसने बता दिया तो कि ये है वो कुफ़र की हालत कि उसने शक का इजहार किया कि पता नहीं अल्लाह ताला क़यामत भेजेंगे नहीं भेजेंगे होगा नहीं होगा ये सब शक की बातें हैं इसी तरह वो एक कुफ़्र है जो कि ए कहलाता है ए करना मुँह फेर लेना उससे उसमें ना जाना जैसे व लधी ने क़रु अम्मा कि जिन लोगों ने कुफर किया जब उनको इंज़ार किया जिस चीज़ के बारे में उनको तंबी की उससे मुंह फेर लिया कि नहीं हम नहीं सुनते हम नहीं देखते हम नहीं मानते इस चीज़ को तो ये कितने ही अल्ल ने इसके बारे में मिसालें दी हैं कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको ये बताया गया समझाया गया उसको सही तरीक़ा बताया गया लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं होता साफ़ इनकार कर देता है कि नहीं इसमें कोई बात नहीं कोई मसला नहीं है तुम लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें घड़ ली हैं तो ये एराज करना भी है कुफर के माने में आ जाता है और इंसान जो है फिर उसी में ही फंस जाता है और फिर उसी के साथ साथ फिर जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो निफाक वाला कुफ़्र है कि इंसान में ये मुनाफ़त पैदा हो जाए तो ये भी दो तरह की एक तो एतदी है कि अक़ीदे में ही उनके कुफ़र भरा हुआ हो ज़ाहरी तौर पर वो इस्लाम इस्लाम करते हों और दिल में उनके नफाक है जैसे कि नबी करीम सम के दौर में ये मुनाफिकीन थे जिनके बारे में कुरान ने सब खोल खोल कर बयान कर दिया तो ये उनका एतकादी नफाक़ था दूसरा वो अमली नफाक है जो नबी करीम वसल्लम ने बताया है इस हदीस की रोशनी में कि जिसमें ये इस कस्म की खिसाल या सिफात पाई जाती हैं कि वो जब भी बात करता है तो झूठ बोलता है और जब उसको अमानत दी जाती है तो ख़ानत करता है और उसके साथ साथ फिर उसके अंदर ये भी है कि वो जो भी इस कस्म की चीज़ होती है कि जो उसको बातचीत उसमें गालम गलोच करता है तरह तरह की ये मिसालें बताई गई ये सब अमली नफाक है उसको फिर यही कहा जाएगा कि इस शख्स में वो अमली नफाक की बातें आती हैं किसी को मुनाफ़ नहीं कह सकते हम इसलिए कि हम के दिल का हवाल नहीं जानते दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है तो हम कैसे कह सकते हैं तो इस कस्म की ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे ईमान के लिए हमारी तोहद के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं तो लिहाजा हमें उससे बचना चाहिए ताकि अपने ईमान को बर्बाद न करें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने ईमान की हिफाज़त कर सकें और इस किस्म की जितनी भी वो चीज़ें हैं जो कि ईमान के लिए ख़तरा हैं उनसे अपने आप को बचा सकें व आखिर दो